हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कनेक्ट विद शुक्ला आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल सबसे पहले तो भाई सॉरी क्योंकि ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लेट डल रहा है और ये इतना लेट क्यों हो गया मुझे खुद को भी नहीं पता ये बस लेट होता चला गया होता चला गया फाइनली आज इसका दिन निकल आया है और ये व्लॉग अब मैं डाल रही हूँ ये मेरा एक ट्रैवलिंग व्लॉग है हमेशा की तरह कोई प्लान नहीं था कहीं भी जाने का और मेरे ये ऐसे ही प्लान बनते हैं मैं झूठ नहीं बोलती हूँ हमेशा मेरे सडनली बनते हैं और वो क्यों बनते हैं आगे आप सुन लीजिए हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कनेक्ट विद शुक्ला आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल आज का व्लॉग मेरा कार से स्टार्ट हो रहा है और कार से क्यों हो रहा है वो आगे आपको पता लग ही जाएगा आ, ये लॉन्ग वीकेंड है आज है संडे और फर्स्ट अक्टूबर तो सैटरडे संडे और फिर मंडे का भी हॉलीडे है सेकेंड अक्टूबर का तो हमारा प्लान था कि हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे हम साथ में जो फ्रेंड्स हैं सब लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे उसके बाद फिर आ, मेरे घर पर आ, हमने गैदरिंग की और हमने पूरी नाइट जा कर पूरा टाइम स्पेंड किया बहुत सारी बातें की और सुबह के चार बजे एकदम से प्लान बनता है कि नहीं हम सब अगर इकट्ठे हुए हैं तो कहीं घूमने जाएंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इकट्ठे और घूमने जा ना जाएं अभी मेरे साथ कौन है ये देखिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन तो दीदी नींद तो नहीं आ रही है पूरी रात जागने के बाद वेरी फ्रेश बहुत फ्रेश जब हम साथ होते हैं तो बस कितना भी जगा लो हमें है ना बाकी <laughs> हमारी टीम हाँ में पीछे पीछे एक और कार आ रही है शायद से दिखाई देख लो उसमें बाकी के लोग हैं और वो आ, आगे निकल गई है नहीं आगे नहीं है वो पीछे ही है हम सुबह पाँच बजे निकले ना पांच बजे के करीब हम निकल गए छह बजे के करीब हम निकल चुके हैं हां जी तो इसी तरीके से आगे हम बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं तो ब्लॉग में बने रहना है ना रविश हम इंजॉय करेंगे ना बहुत यस हम बहुत मजा भी करेंगे और वहाँ पे आपको हम और भी दिखाएंगे पहले हमें दो। अच्छा ये तो हमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे थे तो कहाँ जा, हाँ जा, जा रहे हैं मसूरी तो इनके एक्साइटमेंट देख कर आप पता लगा सकते हैं कि हम कितना तो चलिए चलते हैं और भाई मॉर्निंग का टाइम हो एक बार आप सन रूफ़ में खड़े हो के वो वाली फील ना लो तो ऐसा तो नहीं हो सकता पता है मॉर्निंग के टाइम इतनी फ्रेश एयर आती है इतना प्यारा लगता है इसलिए मुझे मॉर्निंग में निकलना बहुत ज़्यादा पसंद है एक नेचुरल वाइब आती है बहुत ही प्यारा लगता है इतना सुंदर वेदर इतना सुंदर व्यू कि मैं बता नहीं सकती और ये वाली वीडियो मैं आपके लिए सन रूफ से ही रिकॉर्ड कर रही थी अब हम जो भुक्कड़ लोग हैं उन सबको भूख लगने लगी थी तो हम यहाँ पर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट खैरा में रुके और हमें तो हमेशा यहाँ का खाना पसंद आता है तो हमने सोचा चलो यहाँ पर ही सबको ट्राई कराते हैं बट एक बात बताऊँ जो पंजाबी लोग होते हैं ना उनको सब जगह का खाना पसंद आता अच्छा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है तो हम सब मैं सबसे पूछ रही थी कि पराठे कैसे लग रहे हैं बट यहाँ पर आपको जीजू का फेस देख लग रहा होगा कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे बाकी सब लोग अपने पराँठे को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे बट फिर भी हमने बोला कि चलो जैसे तैसे आप तमी फुल करो उसके बाद आगे हम कहीं अच्छा सा खाएंगे अभी देखिए ये ओम को देखने के बाद तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई रिकॉर्ड करना और यहाँ पर देखो मैं बहुत दूर से आप सबके लिए आ, मनसा देवी को रिकॉर्ड कर रही थी ये देखो कितनी दूर से मैंने रिकॉर्ड किया ताकि आप लोग भी दर्शन कर पाओ और ये शिव जी के प्रतिमा तो हमेशा हर वीडियो में अपने लेकर ही आती हूँ इसके बाद ढेर सारी बातें अगली पिछली सब हम करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे और जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो ना तो थकान ही होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप पहुंच जाते हो ये बात सच है ना एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हाँ यही आप रिश्तेदारों के साथ जाकर देख लो आपको पूरे रास्ते का पता चल जाएगा कि आप कितना ज़्यादा थक गए हो और पक गए हो तो जॉक्स अपार्ट हम लोग अब धीरे धीरे पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे हमें माउंटेन दिख रहे थे ना वैसे वैसे हमें खुशी हो रही थी कि अब हम पहुंचने वाले हैं और हमसे ज्यादा बच्चों को हो रही थी पचास रुपए रिजनेबल है अगर मैंने ना दिया तो <laughs> <laughs> और बस अपनी कार को पार्किंग में लगाने के बाद हम गए सहस्त्र धारा जिसका हम बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे क्योंकि भाई इतनी थकान हो गई थी पूरी रात हम लोग नहीं सोए थे और पूरा दिन हमने ट्रैवल किया और पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ रही थी और सर्च में पता है यहाँ पर आकर जब वो झरने का वो सहसे धारा का हमारे ऊपर जो पानी डला है ना सारी थकान हमारी ऐसे मिट गई इतना अच्छा लगा और हमने बहुत बहुत देर तक यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और पता है व्लॉग के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी देर तो कैमरे से शूट किया था बट उसके बाद फिर मैंने अपने कैमरे को बैग के अंदर बंद करके रख दिया था क्योंकि मुझे यहाँ का पूरा जो ये व्यू था इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना था और पता है बहुत लोगों को ये भी लगता है कि जो व्लॉगर होते हैं वो बस कैमरे से शूट करते रहते हैं और कुछ खुद भी कुछ इन्जॉय नहीं कर पाते हैं बट ऐसा नहीं होता है यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब आप पूरे दिन का एक फिफ्टीन मिनट में कैसे दिखा सकते हो तो वो फिफ्टीन मिनट ही आप रिकॉर्ड करते हो बाकी का तो फिर आप इन्जॉय करते हो ना तो अभी मैं भी यही कर रही थी उसके बाद मैंने सोचा आपके लिए एक मैं थ्री सिक्सटी व्यू दे देती हूँ बहुत लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके होंगे मैं भी यहाँ पर सेकेंड टाइम आ रही हूँ तो जब फर्स्ट टाइम आई थी तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी तो अभी तो व्लॉग बनाना बनता है जो कि आपके लिए भी है और मेरी मेमोरीज़ के लिए भी है और 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 सबसे मेन अगर आप पहाड़ों पर आ रहे हैं और आपने मैगी नहीं खाई तो ऐसा तो नहीं हो सकता और श्वेता मैगी ना खाई ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मैं मैगी लवर हूँ और मुझे पता नहीं क्यों इतनी मैगी पसंद है अब इसके बाद हम लोग गए रूफ वे पर जो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उनको लग रहा था कि बस आ, हमें जल्दी जल्दी से इसमें बैठा दो तो उन्होंने येलो कलर चूज़ किया था और लकीली हम येलो में ही बैठे थे और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पर इसका जो चार्ज था वो पर पर्सन टू हंड्रेड रुपीज़ था और जो पाँच साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ्री था तो ये मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको भी नॉलेज रहे और जब मैं भी कभी अपना व्लॉग देखूँ तो मुझे भी पता रहे और पता है ट्रैवलिंग व्लॉग का मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो कि हम कहाँ घूम सकते हैं और हम अपने इस बजट में इस वाले ट्रिप को कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग लोग यही होता है और जब कभी मैं भी कहीं पर घूमने के लिए जाती हूँ और मैं किसी की वीडियो खोल कर देखती हूँ और मैं भी यही सोचती हूँ कि कौन सा होटल अच्छा होगा कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा होगा कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं ये सारी चीज़ें अगर मेरी वीडियो में भी किसी को पता लग जाए किसी के लिए यूज़फुल हो तो मेरा मोटिव फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अभी देखिए हम बातों बातों में ऊपर भी आ गए हैं और आप यहाँ का व्यू देखिए सीरियसली मतलब ऊपर आकर इतना अच्छा लग रहा था एक मन को जो शांति मिलती है ना वो वाली फील यहाँ पर आ रही थी इतना और पहाड़ों पर इतना ज़्यादा मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ना ऊपर आकर आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है बच्चों के लिए इस तरीके से एनिमल्स थे बहुत सारे उनके स्टैचू बने हुए थे आपको पार्क वाली पूरी फील आएगी इतनी सारी ग्रीनरी थी इतना अमेजिंग यहाँ पर बनाया हुआ था और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक से एक नई नई चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती रहेंगी और बच्चों ने तो इतना ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय किया यहाँ पर उनके लिए झूले बने हुए थे बहुत सारी राइड थी जिस पर उन्होंने बहुत इंजॉय किया और देखिए यहाँ पर मैं भी इन सब के साथ पिक्चर ले रही थी क्योंकि बहुत ही यहाँ पर अच्छा लग रहा था जैसे पुराने लोग कुएँ से पानी भरकर लेकर आते थे उनके एक हाथ में बच्चा भी होता था और पूरे गढ़े होते थे पानी से भरे हुए तो मैं भी ऐसे ही स्टाइल यहाँ पर कर रही थी और फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी तो ये सारी चीज़ें ना देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पर शायद आपको दिख रहा हो एक क्रोकोडाइल बना हुआ है तो मैं तराशा को बुला रही थी कि तराशा आओ मैं आपको भी दिखाती हूँ तो उसको लग रहा था कि मैं एक बार टच करके देख लूँ तो मैंने उसको बताया कि ये रियल नहीं है उसके बाद हम आगे और ज़्यादा मतलब बच्चों की राइड थी वहाँ पर हम गए तराशा को यहाँ पर दीदी बोल रही थी आओ आपको कराती हूँ बट उसको वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं था इसके बाद आपको रेस्ट करने के लिए भी जगह जगह पर बहुत ही प्यारा प्यारे से मतलब ये चेयर मिलेंगी और फोटो शूट करा सकते हैं आप अपने थोड़ी देर बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं और यहाँ से आप माउंटेन तो एकदम क्लियर देख सकते हैं एकदम हर तरीके के माउंटेन जो हम अपनी ड्राइंग में बनाते थे ना बिल्कुल वही वाले यहाँ से आपको माउंटेन देखने के लिए मिल रहे थे और देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि जो घर थे बिल्कुल वो कितनी अच्छी जगह बने हुए हैं बट वो हमें देखने में लगते हैं आ, बट माउंटेन पे रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है तो इसी तरीके से सब कुछ हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया और उसके बाद यहाँ पर मुझे मंदिर भी दिखाई दिया और वो मंदिर था मेरे साईनाथ महाराज का तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि पता है जिसके जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा होती है हो, वो आपको मिल जाए तो बस आप तो हैप्पी हैप्पी हो जाते हो तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई ऐसा लगा कि अरे साईं आप भी यहाँ पर हो तो उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम थोड़ी देर बैठे रिलैक्स किया और यहाँ पर पता है आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा डीजे भी था सब लोग बहुत ज़्यादा डांस वगैरह भी कर रहे थे तो भाई देख लो इतना ऊपर आने के बाद भी अगर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं तो बस आपके तो बल्ले बल्ले है तो बस हम भी पूरा घूमने के बाद फिर नीचे आ गए थे और नीचे आने के बाद हमें लगी बहुत जोरों की भूख तो हम आए थे वॉक इन वुड्स में तो देहरादून में हमारे एक और फ्रेंड रहते हैं उन्होंने ही हमें ये सजेस्ट किया था और हमें यहाँ का डिनर काफ़ी अच्छा लगा अभी ये वीडियो और भी लंबी है तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी तो आप ही लोग बोलोगे यार कितनी लंबी वीडियो है और आप लोग बोर हो जाओगे तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को टू पार्टी डाय